हेलो रिवन, गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। यूनिट 9 यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का नेक्स्ट सेशन आज से शुरू हो रहा है, जिसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी। यहाँ से आपको लगातार कैलकुलेशन बेस्ड सवाल देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, जिन्हें अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपका कुछ नुकसान हो सकता है एग्ज़ाम में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन, पांच पांच क्वेश्चन भी इस एक सब सेक्शन से पूछे गए हैं। जैसे एक टेबल दे दिया और उससे कहा कि इसके मीन, मीडियन, मोड इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखाइए। अभी आपको उसका प्रूफ भी दिखाया जाएगा। जल्दी से सभी लाइव आ जाइए और मुझे बताइए क्या आप सभी तक ऑडियो वीडियो मेरी क्लियर आ रही है। तो हमने डिसाइड किया था कि हम पूरे यूनिट 9 को इन फ्री क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो उसी क्रम में हमने कार्टोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस और मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस, ये तीन सेक्शन कवर कर दिए हैं। अब लास्ट सेक्शन अब हमारा होने वाला है स्टैटिस्टिक्स। 5-7 क्लासेस में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्या होमवर्क करना है वो मैं आपको बता दूंगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है ऑडियो वीडियो सभी तक क्लियर आ रही होगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये क्लासेस आपको ना सिर्फ अपकमिंग यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में, बल्कि जितने भी टीचिंग एग्जाम है जहाँ कहीं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल टेक्निक पूछी जाती है वहाँ पर आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और स्टेटिस्टिक्स से थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले सवाल भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कैलकुलेशन वाले भी, तो आपको आसानी हो जाएगी अब, ठीक है। शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको बता देते हैं, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। अभी ये कैलकुलेशन बेस्ड क्या है भी दिखाते हैं आपको, ठीक है। हमने दिसंबर 2023 के लिए एक बैच शुरू किया है जिसका नाम है रामबाण बैच। उसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 1 फरवरी से इस बैच में क्लासेस शुरू हैं, ठीक है। जो भी दिसंबर 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जिनको ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि हमें कौन सा सेशन देना चाहिए, मार्च, जून या दिसंबर का, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके एक टाइम निर्धारित कर लीजिए, टाइम ले लीजिए अपना, और उसमें आप डिस्कशन करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा सेशन देना चाहिए, कौन सा सेशन आपके लिए सुटेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहिए वो भी आप जान सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो रामबाण बैच है, इस एक बैच में आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन, सेट, पीएचडी एंट्रेंस, सभी प्रिपरेशन एक साथ हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, पूरे 1 ईयर का बैच है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं दिसंबर 2023 के लिए। इसकी डिटेल्स भी बनाई गई हैं, आप उसे देख सकते हैं। ब्रह्मास्त्र बैच जो भी स्टूडेंट जून 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी पेड बैचेस कौन कौन से हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली या तो फीस पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट 9 के जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी बनी हुई है, ग्रुप में सभी सेंड कर दिया है। सभी क्लासेस को आपको सीक्वेंस में फॉलो करना है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं अब हम अपने हिसाब से इसको चलते चलें तो फिर आपको दिक्कत होगी। जो सीक्वेंस बनाया गया है, पहले एक क्लास है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, तो वो किसी ना किसी कारणवश है। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से जो हमारा हमें अच्छा लग रहा है पहले वो वाली क्लास देख लें। ऐसा नहीं होता है, हम भी तो ये कर सकते थे कि पहले ये वाली क्लास कर सकते थे फिर दूसरी वाली क्लास, लेकिन हर चीज़ का एक क्रम है। अगर आप उसको उसी क्रम में फॉलो करेंगे तब जाके आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। कन्फर्म तो देखो कुछ नहीं है, जो होगा आप सब आपके सामने है, एनटीए आपको बता देगा, जो भी एनटीए ने कहा है उसी के हिसाब से सब चल रहे हैं। कन्फर्म कोई कैसे बता सकता है बताइए, किसी के भी पास, मेरे पास ही नहीं किसी के भी पास एनटीए ने जितना कहा है उतनी ही इन्फॉर्मेशन है और उसी के बेसिस पर सब चल रहे हैं। आपको बस अपनी प्रिपरेशन करनी है, इन चीज़ों पर ध्यान देना ही बेकार है कि ये कंफर्म है या नहीं है, 100%
कोई बता दे हमें, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करो, उसके बाद एग्ज़ाम के बारे में सोचो, ये सबसे सही तरीका है। ठीक है, चलिए। जब हम स्टैटिस्टिक्स शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस क्या है। अगर आपको इसका पाठ्यक्रम नहीं पता और यहाँ कैसे करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो नहीं पता, तो आप इस सब यूनिट को कैसे प्रिपेयर करेंगे? क्या आप इसे प्रिपेयर कर पाएंगे? और यही मेरा हमेशा तरीका रहता है पेड बैचेस में। ये पेड बैच की ही क्लास है, आप जानते हैं, लक्ष्य बैच की क्लास है ये। तो हम हमेशा इसी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी यूनिट को शुरू करने से पहले उसके सिलेबस को हम देखते हैं, ताकि हमें ये पता चले एग्जैक्टली कि इसमें कितने पॉइंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं इसके अंदर। प्लस अगर कोई हिडन टॉपिक है तो वो हमें मालूम हो जाएगा पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना टारगेट डिसाइड करते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये टोटल 11 टॉपिक है। इन टॉपिक के अंदर, ये मेजर टॉपिक है, इनके अंदर कुछ सब टॉपिक भी हैं। जैसे लिखा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि हमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब इसी टॉपिक के अंदर मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब क्या उनको अलग से लिखा हुआ है? नहीं लिखा है। जो फ्रेशर होगा वो समझेगा कि सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब हम समझ गए, हमारा काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, आपको इसके जो सब टॉपिक्स हैं, मीन, मीडियन, मोड, इनको पढ़ना होगा, इनके कैलकुलेशन के तरीके सीखने होंगे। अब इन तीनों में कैलकुलेशन अलग अलग सीरीज में किया जाता है। इंडिविजुअल सीरीज में इनका कैलकुलेशन होता है, डिस्क्रीट सीरीज में इनका कैलकुलेशन होता है, कंटिन्यूस सीरीज में इनका कैलकुलेशन होता है। हर एक कॉन्सेप्ट को तीन सीरीज में डिवाइड करके समझा जाता, मतलब कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आप कहोगे कि ये क्या है, अभी चिंता मत करो, बस सुनते चलो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये सब एक एक करके जब हम करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी पहले इसको समझ जाते हैं कि सिलेबस में क्या लिखा है। मेन, मीडियन, मोड है, और तीनों में तीन तीन सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, अब तीनों सीरीज को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा टॉपिक हो गया है, लेकिन उसमें आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ देना है, वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप सब कुछ पढ़ोगे तो फिर आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। अगर आप कुछ पढ़ोगे वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट होगा, वही आपको फायदा देगा। समझ रहे हैं? मैं जब आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं, उससे भी पहले कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। स्टेटिस्टिक्स क्या होती है, ये डाटा क्या होता है, डाटा किस प्रकार का होता है स्टेटिस्टिक्स में, स्टेटिस्टिक्स का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये जब आपको जानकारी होगी तब आप समझ पाओगे कि हम ये बार बार क्यों बोलते हैं कि माना एक्स की वैल्यू ये है ना, और फिर इसको कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सैंपल क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर सैंपलिंग लिखा है, लेकिन सैंपलिंग प्रोसीजर लिखा है, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग अलग से नहीं है, वो इसी के अंदर है। जाहिर सी बात है, जब हम सैंपलिंग पढ़ेंगे तो सैंपलिंग के टाइप्स उसी के अंदर आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और फिर उसके अलग अलग तरीके। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और बेस होता है पूरे स्टेटिस्टिक्स का, बेस आधार है ये। अगर आपने माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड नहीं पढ़ा, तो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं स्टेटिस्टिक्स में वो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि पूरी स्टेटिस्टिक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, स्टेटिस्टिक्स पूरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्र प्रवृत्ति के माप पर बेस्ड है, इसी पर आधारित है। जब तक आप इसे नहीं समझोगे, ना ही आपको डिस्पर्शन समझ में आएगा, ना ही आपको कोरिलेशन समझ में आएगा, ना ही रिग्रेशन समझ में आएगा, और ना ही आगे आने वाले कुछ भी टॉपिक्स हैं वो समझ में आएंगे, कुछ नहीं आएगा समझ में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से सवाल भी लगातार आते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। जब आप ये समझ जाएंगे तो फिर आपको तब समझ में आएगा कि डिस्पर्शन होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये पूरी सीरीज है, ठीक है, जीरो मान लिया हमने इस तरफ, और ये दोनों तरफ इसके कुछ वैल्यूज हैं, कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है पूरी
सीरीज का, या हमारे पास जैसे मान लीजिए एक्स की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके। हम ये एक्स की वैल्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये नंबर किस चीज़ का डाटा है, हम इसलिए बोल देते हैं कि वो एक्स की सीरीज है। हो सकता है कि ये डाटा डेंसिटी का हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी का हो सकता है, कि ये डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो सकता है, हो सकता है कि लिटरेसी रेट का हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, हम उसको एक्स की एक्स बोल देते हैं, माना ये एक्स की सीरीज है, समझ रहे। अब इस पूरी सीरीज का अगर हम एवरेज निकालेंगे, औसत, तो वो निकाला जाएगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि पूरे एक महीने में 30 दिनों में पेट्रोल के दाम क्या रहे, लगभग क्या रहे, तो आप क्या हर दिन का अलग अलग बताएंगे कि 30 दिन का ये पेट्रोल का दाम रहा है या डीजल का दाम? आप एक एवरेज बता देंगे, औसतन औसतन लगभग इतना रहा है। सपोज हमने कह दिया कि 90 रुपीज़ पर लीटर रहा है, ठीक है, ये औसतन है। औसतन का मतलब है 30 दिनों में अलग अलग जो रेट रहा है और उसको 30 से डिवाइड कर देंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, टोटल वैल्यूज को प्लस किया और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दिया, तो एवरेज हमने निकाल दिया। एवरेज का मतलब ही होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, किसी सीरीज का एवरेज निकालना, औसत निकालना, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। सेंट्रल टेंडेंसी शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है, सेंट्रल इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स, पूरी सीरीज का सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है। अभी सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड से निकाली जाती है, मीन मीडियन मोड नाम अलग अलग है, ये चीज एवरेज, तरीके अलग अलग है निकालने के। आप एवरेज निकालना सीख गए, फिर हमें इससे ये तो मालूम नहीं पड़ेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ तक ये सीरीज जा रही है। क्या हमें इससे ये बात मालूम पड़ेगी कि पेट्रोल के दाम पूरे महीने में कम से कम कितने तक गए थे और ज्यादा से ज्यादा कितने तक गए, ये हमें नहीं मालूम पड़ेगा। सेंट्रल टेंडेंसी या मीन मीडियन मोड से हमें सिर्फ एक वैल्यू का पता लगता है, मिनिमम मैक्सिमम का पता नहीं लगता है। उसके लिए हमें डिस्पर्शन का सहारा लेना होगा, डिस्पर्शन हमें पूरी सीरीज के बारे में जानकारी देता है, डिस्पर्शन भी यहाँ पर लिखा है, इनइक्वालिटीज है, ये फिर हम समझेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जब तक हमें एवरेज नहीं पता तो हम कैसे पता लगाएंगे कि एवरेज से ये वैल्यू कितना डेविएट कर रही है, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात। फिर इसमें ही आगे सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, यानी कि इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी के अंदर भी और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर भी अलग अलग उसके टाइप्स होते हैं, सैम्पलिंग का क्या प्रोसीजर होता है। और यहाँ पर एक शब्द है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मतलब हमारी जो परिकल्पना होती है, मान लीजिए हम किसी क्षेत्र में शोध करने के लिए या रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा पहले से एक माइंडसेट होता है, हमने अपने मन में एक विचार बनाया होता है कि ये एक्स कोई फिनोमिना है, ये वाई किसी प्रोसेस से अफेक्ट हो रहा है। हमने ये ऐसा मान लीजिए कि एक अपना विचार बना लिया, उस विचार को कहते हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पना, जो शोध करने के लिए जरूरी होती है, शुरुआत करने के लिए जरूरी होती है। अब हमने जो ये अपना परिकल्पना, ये हाइपोथेसिस बनाई है, हमारा जो ये विचार है, क्या ये सही है या फिर ये गलत है, इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास स्टेटिस्टिक्स में अलग अलग टेस्ट होते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है, अनोवा टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होता है, और भी टेस्ट होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये लिखे हुए हैं और यहीं से सवाल पूछेगा, सिंपल सिंपल सवाल पूछता है। आपको बहुत इनके डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स में इसको नहीं पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है। आप पढ़ते 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 कहीं इसकी कैलकुलेशन में चले गए, बहुत आगे निकल गए, तो फिर उससे कुछ आपको फायदा नहीं होगा। आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो ये टेस्ट है, इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम होने चाहिए। टाइम सीरीज एनालिसिस छोटा टॉपिक है, ना डिटेल में नहीं पूछेगा, वैसे भी अभी तक पूछा तो है नहीं, आगे पूछ सकता है, ठीक है। कोरिलेशन और रिग्रेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार यहाँ से सवाल आता है, इसको इरेज कर लेते हैं। कोरिलेशन का मतलब होता है सह संबंध, रिग्रेशन रिग्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रतिगमन इसको शायद हिंदी में बोलते हैं। कोरिलेशन का मतलब है कि दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल माने चर, वेरिएबल का हिंदी मीनिंग होता है चर। वेरिएबल का सिंपल से जो सेंस है वो ये है कि ऐसी कोई भी चीज जिसमें परिवर्तन हो सकता है, ऐसा कोई भी डाटा जो चेंजेबल है, वेरिएबल है, चेंजेबल है। जैसे जो दिन का टेम्परेचर है चेंजेबल है, कुछ भी ऐसी चीज इसी प्रकार से जो चेंजेबल है उसे वेरिएबल बोलते हैं।
जैसे रेनफॉल हो सकता है, क्रॉप हो सकता है, क्रॉपिंग पैटर्न चेंजेबल है तो वेरिएबल है। कोरिलेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल एक और वेरिएबल दो में क्या कोई रिलेशन है या नहीं है, इस चीज़ को समझाना, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना। जैसे मान लीजिए कि रेनफॉल में, ये एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ, इसी से जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। रेनफॉल में और क्रॉपिंग पैटर्न में, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, इसको पैटर्न नहीं प्रोडक्शन बोले हम अगर, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर बारिश अच्छी होगी सीजन के समय पर, तो क्या क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन अच्छा होगा या नहीं होगा? यस, होगा बिल्कुल। रेनफॉल भी अच्छा हुआ तो क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, तो इन दोनों में एक संबंध है। इस संबंध को दर्शाने के लिए हम कोरिलेशन का सहारा लेते हैं। कोरिलेशन, इसके लिए हमें दोनों के डाटा का मालूम होना जरूरी है, उसका एवरेज निकालना जरूरी है, तभी जाकर के हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे। और दोनों के बीच में कितना डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, मतलब परफेक्ट, ये दोनों पॉजिटिव हैं, परफेक्ट नेगेटिव हैं, कोई रिलेशन नहीं है, इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करते हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। रिग्रेशन का मतलब होता है जब हमारे पास एक वेरिएबल का डाटा हो, दूसरे को हम प्रिडिक्ट करते हैं, उसकी भविष्यवाणी करते हैं, तो वो रिग्रेशन कहलाता है। ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिग्रेशन से तो लगातार कैलकुलेशन वाला सवाल आता है, सेंट्रल टेंडेंसी से लगातार कैलकुलेशन वाला सवाल आता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से स्टेटमेंट दे देगा कैरेक्टरिस्टिक्स और बोलेगा कि बताइए कि कौन सी टेस्टिंग है। मेजरमेंट ऑफ इंडेक्स, मेकिंग इंडिकेटर स्केल फ्री कंप्यूटेशन कंपोजिट इंडेक्स, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जो उतने डिटेल में नहीं आएगा, अभी तक तो डायरेक्टली ऐसे पूछा भी नहीं गया है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का देख लेना कि ये है क्या, ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद पीसीए है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए। पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है, ये वहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया है, पूछा जा सकता है नहीं, पूछा गया है। क्लस्टर एनालिसिस और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये दोनों तरीके हैं जो रीजनल ज्योग्राफी में भी, रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल होते हैं। स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल सिर्फ स्टेटिस्टिक्स की जो मेन ब्रांच है वही नहीं, बल्कि इकोनॉमिक्स में, डेमोग्राफी में और ज्योग्राफी में, देखिए रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट में अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है, पॉपुलेशन की स्टडीज़ में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट एनालिसिस है, क्लस्टर एनालिसिस है, इसका इस्तेमाल रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट में होता है। क्यों होता है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इतने टॉपिक्स अगर आपको मालूम हो गए, इनको अगर आपने पढ़ लिया, तो आपकी स्टेटिस्टिक्स या सांख्यिकी की ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं बात? क्लियर है बात यहाँ तक आप सभी को? अब ये आपने सिलेबस देख लिया, ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा, जो हमारा तरीका है, वो कंप्लीट है कि हाँ सिलेबस ये है, इसमें ये टॉपिक लिखे हैं। अब ये इनसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। आपको याद होगा या फिर आपने देखा होगा, अगर तो एक बार हमने ये, मतलब दो बार शुरू कर चुके हैं, एक बार बहुत पहले शुरू किया था, एक बार फिर अभी रिसेंटली शुरू किया है, 2022 का जो पेपर हुआ था उसके लिए। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स से ही सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड सवाल मिलते हैं। ये पीडीएफ भी ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और इसकी 5 क्लासेज रिसेंटली हमने करी हैं, जिसमें 2021 से लेकर 2010 तक जितने भी कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, क्योंकि मोस्टली स्टेटिस्टिक्स की यूनिट से ही, जो यूनिट 9 का सब सेक्शन है, उससे ही पूछे जाते हैं। अब हम एक बार ज़रा सवाल देख लेते हैं, क्या सच में इस तरीके के सवाल यहाँ से जनरेट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं या नहीं। आप सभी को मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये बात मुझे बता दीजिए, या फिर ये मुझे ही समझ में आ रहा है बस, फटाफट। हाँ, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव ही होगा ये तो ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि रेनफॉल फसल कटाई के समय पर बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या ये पॉजिटिव रिलेशन होगा या नेगेटिव होगा? रेनफॉल की ज़रूरत किस समय पर है, ये भी तो ध्यान देने वाली बात है। जिस समय मान लीजिए पानी लगाने का समय है, उस समय पर रेनफॉल हो गया तो अच्छी बात है, और जिस समय फसल कटाई का समय है, तो उस समय अगर झमाझम बारिश हो जाए, तो क्या उससे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा या फिर कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है।
ये भी ध्यान देना पड़ता है। अब ये देखिए, कैलकुलेशन बेस्ड सीरीज से सवाल, ये मैं आप सभी को सेंड कर दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, पेड ग्रुप में तो भेजेंगे ही, जो फ्री बैचेज हैं उनमें भी सेंड कर देंगे, ज्योग्राफी विद अंकित फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सेंड कर देंगे, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए स्टेटिस्टिक्स का सवाल है, एक पूरा आपको यहाँ पर टेबल दिया है, ठीक है। ये डीआई का भी सवाल आप इसे कह सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन में भी इस तरीके के सवाल आते रहते हैं, तो पेपर वन के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया, पेपर टू के लिए भी। अब सवाल कैसे करके दिया है, यहाँ पर आपसे टेम्परेचर पूछा है, बहुत सिंपल है, लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस कितने एरिया में है। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज कैलकुलेट करना है, तो वो हम स्टेटिस्टिक्स में सीखेंगे। इसके अलावा परसेंटेज में आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करके बताना है, ये पूछा है, ठीक है। मीडियन देखिए स्टेटिस्टिक्स का टॉपिक है। इसके अलावा थर्ड क्वार्टाइल का टॉपिक, ये क्वार्टाइल भी स्टेटिस्टिक्स में ही पढ़ते हैं, ये भी उसी का टॉपिक है क्वेश्चन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये भी कैलकुलेशन का सवाल है, अब कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आप सीख जाएंगे। ये देखिए आप फिर से देखिए, कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। आप देख रहे हैं कि इस एक अकेले सब सेक्शन से पांच पांच सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर पूरे यूनिट 9 से, सपोज पूरे यूनिट 9 से 10 सवाल पूछे गए, 12 सवाल पूछे गए, तो अगर इससे ये एक आपको इस तरीके का सवाल मिल गया, जैसे डीआई का सवाल भी कह सकते हैं क्योंकि तो स्टेटिस्टिक्स से ही जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से अकेले 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। पूरे यूनिट 9 में 4 सेक्शन होते हैं, कार्टोग्राफी, रिमोट सेंसिंग जीआईएस जीपीएस, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस, और ये आपका स्टेटिस्टिक्स, और अकेले स्टेटिस्टिक्स से 50% के आसपास सवाल आ जा रहा है 2 बार से लगभग, ऐसा आगे भी हो सकता है, और बाकी 3 सब सेक्शन से 50% क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है, करेक्ट। जैसे अभी इस बार देखिए, ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटिव फ्रिक्वेंसी पूछी गई है, ये आपने स्टेटिस्टिक्स में ही देखना है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, ये भी स्टेटिस्टिक्स में ही आप पढ़ेंगे, ठीक है। और पूरे सेट का क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या, अभी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है क्या, ये तो आप वहीं पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जिसको गणितीय अंक गणितीय माध्य कह सकते हैं आप, जब आप मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे तो वहीं पर हम पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक मीन भी 4 प्रकार का होता है। अरिथमेटिक मतलब जो मीन होता है ये 4 प्रकार का होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन, 4 हो गए। डायरेक्टली वहां से भी सवाल पूछ सकता है, कैलकुलेशन का भी सवाल दे सकता है, इनका कैलकुलेशन भी बताया गया। मोड यानी कि बहुलक देखिए पूछा गया है, उसी सीरीज का सवाल है जो अभी आपको दिखाया था। फिर ये देखिए, ये कैलकुल इसमें तो सभी कैलकुलेशन वाले हैं, स्टेटिस्टिक्स के मुख्य रूप से कौन कौन से है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको स्लोप का सवाल दिया गया है, आपको स्लोप एंगल कैलकुलेट करना है, स्लोप ग्रेडियंट निकालना है, ये भी हमने सीखा है। रिग्रेशन का देखिए, बहुत सारे रिग्रेशन के सवाल आपको मिल जाएंगे, अभी अभी आपको दिखाया था और बोला भी था कि रिग्रेशन से कैलकुलेशन बेस्ड सवाल आ रहा है। ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी का सवाल है, ये आपका बीटा इंडेक्स पूछा गया है ना। यहाँ आप देखिए, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीन यानी कि माध्य, माध्य कैलकुलेट करके बताना है, डायमीटर कैलकुलेट करना है, ग्राफ थ्योरी का सवाल है। फिर ये आप स्लोप ग्रेडियंट का सवाल है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा स्टेटिस्टिक्स में आपको मैं दिखा रहा हूँ मुख्य रूप से, पहले ये देखिए फिर से स्टेटिस्टिक्स का सवाल पूछा गया है। यहाँ पर आपको ये जो एक्स आई की वैल्यू है वो कैलकुलेट करके बतानी है। जब तक आपको मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना नहीं आएगा ठीक से, आप इस सवाल को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से देखिए, आपको पूछा गया कि एक ट्रू मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मीन का, माध्य का सवाल है, समझ रहे। और इसके बाद कैलकुलेशन वाला जो स्टेटिस्टिक्स का है मुख्य रूप से, ये है देखिए 2017 में रिग्रेशन का फिर से ये इक्वेशन दिया गया है, और फिर से मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है मीन का। यहाँ पर ये स्केल, टोपोग्राफिकल शीट का स्केल से सवाल पूछा गया है, और स्टेटिस्टिक्स से फिर से आप देखिए जून का ये मीन वैल्यू कैलकुलेट करने को कही है आपसे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितने सारे सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये सब सेक्शन इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक।
क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई? अब आज का आपका ये होमवर्क है कि आपको इसका सिलेबस और इसकी जो ये PYQs है वही आपको देखने हैं। कल से हम इसके एक एक सब सेक्शन को, एक एक सेक्शन को, एक एक मतलब टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है? उम्मीद है एक दिमाग में आपके एक ओवरव्यू बन गया होगा कि इस यूनिट में कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, और एक ओवरव्यू तो मैंने आपको बता ही दिया है इस पूरे सिलेबस का, ठीक है? किसी को कोई समस्या तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। आज आपका यही होमवर्क है, जल्दी से पूछिए। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया इस टॉपिक से रिलेटेड, बाकी ये दिसंबर वाले सेशन के लिए है, ये बैच रामबाण बैच है, और मैंने आपको बता ही दिया कि इस एक बैच में आपकी बाकी टीचिंग एग्जाम भी प्रिपेयर हो जाएंगे, और मास्टर बैच है जून 2023 के लिए, आप चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम है समझने में तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं बैचेस से रिलेटेड, यहाँ पर इसकी डिटेल्स आपको और बता दी जाएंगी, ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक? मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कल की, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सभी को, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अभी तो देखिए टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती है, यही रहेगी, अभी जब नेक्स्ट कोई यूनिट शुरू होगी तब उसके बाद हम टाइम चेंज करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच सभी को, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।